आता है, कैलेंडर बदल रहा है पर आप नहीं। मुझे नहीं पता आपका पिछला साल कैसा था, बट जो आने वाले 6 महीने हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे 6 महीने फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे मंत्र बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसे आपने 6 महीने, सिर्फ 6 महीने ही फॉलो कर लिया तो जो गोल आप 5 साल में अचीव करने की सोच रहे हो वो सिर्फ 6 महीने में ही अचीव कर लोगे। अपनी जिंदगी में फोड़ रहे होगे, आपके में भयंकर बदलाव आ जाएगा। आज की डेट कहीं नोट कर लो और वीडियो में खोने से पहले आप जो भी कर रहे हो उसे थोड़ा स्टॉप कर लो, एकांत में चले जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, ताकि जो मैं आज बताने वाला हूँ उसे अच्छे से समझ सको। तो रूल नंबर 1 है, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने भूल जाओ इस दुनिया में आपका कोई है, भूल जाओ अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड को, कोई कहीं नहीं जाने वाला। 6 महीने इनके लिए दरवाजे बंद कर दो, दूर चले जाओ इन सारे डिस्ट्रेक्शन से। यानी आपको 6 महीने दुनिया और लोगों से गायब कर लेना है, खुद को आइसोलेट कर लेना है, जहां आपके साथ आपका माइंड, बॉडी, गोल, पर्पस और आपकी लाइफ होगी। 6 महीने उतना भी बड़ा टाइम नहीं है, ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये भी तो सोचो ये आप अपनी लाइफ और अपने सपनों के लिए कर रहे हो। इस बीच कोई भी आए, कितनों भी पैसे वाला हो, कितनों भी पावर वाला हो, फालतू की बातें कर रहे खिसक लो। आपके दोस्त अपने मतलब से याद कर रहे हैं, घूमने बुला रहे हैं, मना कर दो। आपके जाने या ना जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर चीजों के बारे में लोगों को हाँ बोलना बंद कर दो। आप जितना लोगों के साथ रहेंगे आप उतने उलझते जाएंगे। सारे अनवांटेड ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ, फालतू के लोगों को म्यूट कर दो और टाइम वेस्ट करने वाले को ब्लॉक मार दो जिंदगी से भी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट की दुनिया से बाहर निकलो। काम है, जरूरी है, कॉल करो, बात करो, खत्म करो। मैसेजेस टाइप करने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। इन 6 महीने सेल्फिश बन जाओ, अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, अपने सपने, अपनी फैमिली के बारे में सोचो और जो चीज इनसे दूर ले जा रही है उसे करना बंद करो। रूल नंबर 2, स्पीक लेस डू मोर। खाली बर्तन और सिक्के हमेशा आवाज करते हैं। आपके एटीट्यूड और मोटिवेशन वाले स्टेटस से कुछ नहीं होगा। किसी ने कुछ कह दिया उसे बदला लेने के लिए आप सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज स्टोरी डाल रहे हो और दिन भर बिस्तर में पड़े हो। दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए स्टोरी लगाना बंद करो। इंस्टाग्राम की शायरी से बाहर आओ। लोगों में उलझना बंद करो। लोगों की किचकिच में मत पड़ो। हर इंसान को अपनी दास्तां मत बताओ। हर इंसान को अपनी जिंदगी में मत घुसने दो। कभी सोचा है आपका मोटिवेशन ठंडा क्यों पड़ जाता है? आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपकी सारी एनर्जी खींच लेते हैं, आपको खाली कर देते हैं। ऐसी यारी से बाहर रहो। लोगों के ओपिनियंस, चुगली, बुराई करना, सुनना बंद करो। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अगर आप नहीं रहे तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। आपके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहेगी। मरे हुए इंसान को लोग एक दिन में भूल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? और इतना ही फर्क पड़ता है तो रूल नंबर 3, अपनी फीलिंग्स जला दो। बेवजह चिड़चिड़ाहट, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, टेंशन हो रहा है तो एक पेपर लो, उस पर लिखो और जला दो। जितना भी मन का भड़ास है, बुराई, चुगली, नेगेटिव एक्सपीरियंस, मार्क्स कम आए उसका टेंशन, सब लिख दो। जितना भी टेंशन है सब खत्म हो जाएगा। लिख नहीं सकते, लिखने में आलस आ रहा है तो फ्रंट कैमरा से वीडियो ऑन करो और कैमरा से अपनी सारी फीलिंग शेयर करके खाली हो जाओ। आप जितना इसे करोगे उतने ही आप खुश रहोगे। दूसरों को अपने दुख बताने से मतलब नहीं, आंसू पोंछने वाले सौदा करके जाएंगे, वैसे भी दुख बताने से बढ़ता है। रूल नंबर 4, थिंक योरसेल्फ लाइक अ प्रोडक्ट। आप जो खाओगे, देखोगे, पढ़ोगे, संगति करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 20 दिन के अंदर आप वैसी बन जाएंगे। लोहा भी कुछ दिन चुंबक के साथ रहे तो चुंबक की तरह बन जाता है, लेकिन दूर रहने के कुछ टाइम बाद वो फिर से वैसी बन जाता है। अपने हैबिट्स के आप गुलाम हो, आपकी हैबिट्स तय करेंगी आपका सक्सेस। अपने आप को किसी प्रोडक्ट की तरह सोचो। सोचो किसी गाड़ी में खराब तेल जा रहा है तो वो गाड़ी कितने दिन तक चलेगी। आप जितना अपने में अच्छी नॉलेज फीड करोगे उतने अच्छे आप डिसीजंस ले पाओगे। 6 इंच के फोन में भी अपडेट्स होते रहते हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं करते? क्यों अपने माइंड को गंदगी, पॉर्न, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स से भरते जा रहे हो? बंद करो, अपने माइंड को काबू में रखो। रूल नंबर 5, अपने शरीर को अच्छा खिलाओ। खाना आपके बॉडी को फिजिकली अनहेल्दी नहीं करता, बल्कि आपके ब्रेन में केमिकली चेंजेस कर देता है। बेवजह चिड़चिड़ाहट, लो फील करते हो, सर दर्द, आलस, फोकस ना कर पाना आपके खाने के कारण है। खाना आपके शरीर का फ्यूल है।
ज्यादा टाइम तक कॉन्सेंट्रेटेड रह के काम करना चाहते हो, अच्छा खाना शुरू कर दो। शरीर में ताकत नहीं है, जिम जाना चालू कर दो। लाइफ में कुछ करना है तो कुछ करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, वो काम आप कैसे करोगे जो काम आप करना चाहते हो? आने वाले 6 महीने कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मतलब हाई एनर्जी, हाई कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड फील करोगे। आपका माइंड यानी अंदर का जनरेटर अच्छे से काम करेगा। आपने हवाई जहाज उड़ाने लायक तो बना लिया, अब उड़ाते कैसे हैं वो बताता हूँ। आपको जो भी अचीव करना है उसे क्लियरली एक पेपर में विथ डेट नोट कर लो। आपका जो भी लक्ष्य है, एम है, उसे सालों, महीनों, हफ्तों, दिनों और घंटों में डिवाइड कर लो, तोड़ लो। एक साल में कहाँ पहुँचना है अलग, 6 महीने का गोल अलग, 1 महीने में क्या अचीव करना है वो अलग। अपने टू डू लिस्ट को घंटों, दिनों, सप्तों, महीनों और सालों में डिवाइड कर लो। अभी क्या करना है वो, एक दिन में क्या करना है, एक हफ्ते में क्या काम है, और वैसे ही प्लान बनाओ। अपने गोल्स को जितना छोटा करके अचीव करोगे उतना जल्दी अचीव होगा। चलो मान लो आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करना है, तो वो 1 दिन में तो होने से रहे, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन होकर अपने गोल्स पर स्टिक रहना होगा। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन से आप टेम्पोररली आग जगा सकते हो। 6 महीने साल भर मेहनत करने के लिए अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप सक्सेसफुल क्यों बनना चाहते हो, आप नेम, फेम, खुशी, हेल्थ किस चीज के लिए कर रहे हो। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना है, आपको गरीबी में फिर से नहीं जीना या अच्छी हेल्थ चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहते हो कमेंट्स में बताओ। जैसे अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखती थी, वैसे ही इन 6 महीने आप भी भयंकर फोकस्ड रहो। काम शुरू करने से पहले अपना फोन बंद कर दो, एक समय में एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग से आप सिर्फ 2 कामों के बीच झूलते रहेंगे और ना इधर के रहोगे ना उधर के। एक काम करो, उसे खत्म करो, फिर दूसरा काम करना। खाना खा रहे हो, खाना खाओ। जिम कर रहे हो तो सिर्फ जिम करो, उसी में फोकस करो। पढ़ाई करने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन जब काम करने बैठे हो तो सिर्फ काम करने के बारे में सोचो। ज्यादातर लोग घर में रहते हैं तो ऑफिस की चिंता करते हैं, और जब ऑफिस में रहते हैं तो काम में फोकस करने के बजाय आपको घर की चिंता होगी। एक टाइम पर एक ही काम करो और सिर्फ उसी के बारे में सोचो। ऐसा करने से आप जल्दी फ्लो स्टेट में चले जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी टाइम बाद जो करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। सो अगर आप लोगों की सुनोगे तो जो करने वाले हो वो भी नहीं कर पाओगे। इन 6 महीनों के दौरान लोग कहेंगे, यार तुझे क्या हो गया, तू पहले से बदल गया है, या फिर ये तू पागल हो गया है। ऐसे ही हजार अलग अलग चीजों से ऊपर आपको खुद की सुननी है और जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने काम से देना है। रियली अगर आप चाहें और अपना सब कुछ लगा दें तो आप 1 साल 6 महीने या 3 महीने में अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप जितना इसे समय देंगे आप उतने जल्दी इसे अचीव कर लोगे। ये सोचो कि आज के कंपैरिजन में आप अगले 6 महीने में कम्प्लीटली चेंज हो चुके होंगे और अपनी जिंदगी में फोड़ रहे होंगे। इतना स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताने के बाद भी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाओगे। तो कमेंट्स में लिखो मैं गायब हो रहा हूँ, और रीजन भी लिखो कि क्यों गायब हो रहे हो, और 6 महीने बाद आकर पढ़ना आपने कमेंट्स में क्या कमिटमेंट किया था। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने मिला तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपकी डिमांड में ऐसी वीडियोज और आते